आदाब, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल न्यूज 21 राजस्थान। ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से जुड़ी समस्त खास खबरें आपके बीच में हेडलाइंस के रूप में लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने किया परबतसर का दौरा, नागौर बॉर्डर पर नाकाबंदी का लिया जायजा। रूपनगढ़ में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद सीमा पर सख्ती बढ़ाने के दिए निर्देश, साथ ही कुचामन क्वारंटाइन सेंटर से लौटे पुलिस कर्मियों का भी बढ़ाया हौसला। बड़ी खाटू अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों की टीम ने डॉक्टर हेमराज सिंह के नेतृत्व में निकटवर्ती ग्राम बालाजी नगर में चिकित्सकीय शिविर का आयोजन कर निःशुल्क दवाएं की वितरित। कोरोना अपडेट, बीती रात 9 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कल 159 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 3317। वहीं जिले में अब केवल 59 कोरोना पॉजिटिव केस ही हैं सक्रिय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, आगामी फसलों के लिए खाद बीज की उपलब्धता, ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान पर की समीक्षा। रियाबड़ी कस्बे में लॉकडाउन के तहत वाहनों की आवागमन को देखते हुए उपखंड अधिकारी स्वयं उतरे मैदान में, सख्त रूप अपनाते हुए बेवजह बाहर घूमने वालों के वाहनों को किया जब्त। कार्रवाई करते हुए केवल पासदारी वाहनों को ही मिली छूट, अन्य को सिखाया सबक। परबतसर तहसील के गांव कौलाद में अज्ञात महिला के आने से मचा हड़कंप, सूचना पर पीलवा पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पहुंचाया जांच के लिए। असनी में कल गुजरात से आए लोगों पर कर्फ्यू क्षेत्र में बिना अनुमति एवं जांच के आने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर वसूला जुर्माना, कार्रवाई के पश्चात भेजा क्वारंटाइन सेंटर। कल शाम जिले भर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं हल्की बारिश तो कहीं हुई ओलावृष्टि। गांव टांगला में दोपहर बाद आई तेज आंधी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई पेड़ हुए धराशायी। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर परबतसर शहर में लगाए गए कर्फ्यू में ढील देने की मांग, कहा क्षेत्र से भेजे गए सभी सैंपल की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है नेगेटिव। कल परबतसर में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से सड़कों छतों पर जमी श्वेत चादर, करीब 20 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। रोल थाना क्षेत्र के गगवाना गांव में कल शाम तेज आंधी से टूटे पेड़ एवं खंभे, कच्चे मकानों पर लगे टिन शेड भी उड़े हवा में। नावा की ग्राम पंचायत सिनोदिया के पणिहारी गांव के सीताराम बल्डवाल ने अपने 2 वर्षीय बेटे गिरिराज का जन्म दिवस मनाया अनूठे तरीके से, गौशाला में चारे हेतु भेंट किए 51,000। जिले भर में लॉकडाउन के चलते स्कूल एवं विद्यार्थियों के कदम बढ़ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की ओर। शिक्षण संस्थाएं इंटरनेट की सहायता से अभिभावकों के मोबाइल पर भेज रहे हैं पाठ्य सामग्री, बच्चे भी ले रहे हैं इस वैकल्पिक तरीके का आनंद। कृषि जिंसों पर बढ़े 2% टैक्स को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, परबतसर के पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया सहित जिले के कई नेताओं ने जताया विरोध। मकराना भू विज्ञान विभाग ने विशेष शर्तों के साथ विज्ञप्ति जारी कर मार्बल खदानों में खनन कार्य शुरू करने की दी अनुमति, शर्तों की अवमानना पर हो सकती है कार्रवाई। ग्राम पंचायत बूढ़सू के सिंबू सिंह ने दिखाई दरिया दिली, सीएम व पीएम को पत्र लिखकर कोरोना टीके परीक्षण के लिए अपना शरीर देने की जताई सहमति। तो ये थी आज के अंक नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस को आप सभी का बहुत शानदार प्यार मिल रहा है, बस इसी प्यार को बनाए रखिएगा। यदि आप अपने क्षेत्र से किसी हेडलाइन को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पत्रकारिता का शौक रखते हैं या पत्रकारिता आपका पेशा है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम मेल करें। इस प्रकार ये था आज का अंक। इसी तरह के अंक लेकर आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।